मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पड़ते ही कुमाऊं में पर्यटकों की तादाद बढ़ जाती है। पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल घूमना रहता है और यही कारण है कि नैनीताल में पर्यटकों का काफी दबाव रहता है। वहीं सबसे बड़ी फजीहत पर्यटकों की तब होती है जब नैनीताल रूट पर रोडवेज की बस सेवा लड़खड़ा जाती है, इसलिए इस बार सेवा एकदम दुरुस्त रहे इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने कमर कस ली है। स्टेशन प्रभारी इंद्र भट्ट ने बताया कि हिल के लिए छोटी बसें कम हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या से निपटने के लिए 7 से 8 बसें नैनीताल रूट पर चलाई जा रही हैं और पिथौरागढ़ रानीखेत गंगोलीहाट की बसों का नैनीताल का एक फेरा बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद भीड़ को देखते हुए अन्य रूटीन बसों का भी एक एक फेरा बढ़ा दिया जाएगा ताकि पर्यटकों को परेशानी ना हो। फिलहाल हिल के लिए कम अवेलेबल हैं छोटी बसें, जो कि हिल में ही ज़्यादा पर्यटन सीजन चलता है, तो जितनी होती हैं उतनी हम कवर कर लेते हैं। नैनीताल में ज़्यादा चलता है, इस बार ईद के बाद जो है नैनीताल का रश काफ़ी बढ़ गया था, तो जिससे हमने और बसों का संचालन जो हमारी अन्य बसों जगह से आती हैं पिथौरागढ़ गंगोलीहाट रानीखेत, तो उनको हम एक ट्रिप नैनीताल कर देते हैं जिससे जो पैसेंजर परेशान हो और कवर हो जाए वो। पिछले वीकेंड में कितनी अतिरिक्त बसें चलाई गई? नहीं, हमारी 7-8 डेली चलती हैं, 2 ट्रिप चलती हैं, तो उनको हम 2 को 3 ट्रिप करा देते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा बसेस होती हैं उनको 1 ट्रिप उनको बढ़ा देते हैं, तो 8 से 10-15 बस ट्रिप हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं।